हेलो गाइस, गॉसिप टाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस 18 का आगाज धमाकेदार तरीके से हो गया है। घर के अंदर कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं और अब ना घर में छिड़ गई है पहली लड़ाई। और ये लड़ाई जो हुई है तजिंदर बग्गा और रजत दलाल के बीच में। जी हाँ, रजत दलाल ने दे दी है अब खुलेआम तजिंदर बग्गा को बड़ी धमकी। क्या रजत दलाल की धमकी से डर जाएंगे तजेंद्र बग्गा? देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये पहली लड़ाई हुई तो आखिर क्या क्या हुआ। दरअसल दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो इतने केस हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। हम सब जानते हैं तजेंद्र बग्गा जो है वो एक स्पोक पर्सन रह चुके हैं बीजेपी के। काफी पॉलिटिशियंस के साथ उनके तगड़े कॉन्टैक्ट्स रहे हैं और कई बार वो जेल भी जा चुके हैं। तो वही रजत दलाल है, वो भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के शिकार हुए हैं। और बीते दिनों एक गाड़ी तेज रफ्तार में जो निकाली थी, एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठे थे, 140 की स्पीड थी। और कहा गया कि उस वक्त जब वो गाड़ी चला रहे थे तो एक बाइक सवार से टक्कर हो गई थी, वो शख्स जमीन पर गिर गया था। इस तरह की तमाम बातें जो थी वो कंट्रोवर्सी में बनी रही थी। और अब इसी कंट्रोवर्सी को तजिंदर पाल बग्गा ने छेड़ दिया रजत के सामने। रजत को आ गया गुस्सा, क्योंकि यहाँ पर जो कलेश था ना वो अतीत को लेकर था। और यही वजह थी कि जो तजिंदर पाल बग्गा है उसने जब इस मुद्दे को उठाया रजत दलाल के सामने तो रजत ने कहा यहाँ सब बैठे हैं और मैं गवाह नहीं हूँ, मैं इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो तुम कर रहे हो। थोड़ा सोच समझ के चीजों का इस्तेमाल करो वरना एक मिनट में ना भूत बना दूंगा। ये बड़ी धमकी जो है ये तजेंद्र पाल बग्गा को दे दी है अब रजत दलाल ने। और रजत दलाल ने बग्गा की बोलती कर दी है बंद। कैसा लगा वीडियो, क्या है राय जरूर बताइए।